अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं कि किस तरह से चीन बौखलाया हुआ है और सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दे रहा है, और इसी कड़ी में किस तरह के एक्शन चीन की तरफ से लिए जा रहे हैं उसको लेकर के भी जानकारियां सामने आ रही हैं। चीन ने ताइवान की सैन्य घेराबंदी कर दी है, ताइवान की सीमा में चीन के 21 लड़ाकू विमान, ये जानकारी मिल रही है। और आप इससे समझ सकते हैं कि कितना नाराज चीन इस मुलाकात से है, इस दौरे से है। ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर सैन्य अभ्यास की भी खबर आ रही है। चीन की चेतावनी, संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं। गीता, इस बड़ी खबर पर आपसे अपडेट और चाहूंगी, किस तरह से देखिए अपनी बौखलाहट को जाहिर यहां पर चीन कर रहा है, और चीन विदेशी दखल से हर बार नाराज इसलिए भी होता है क्योंकि उसे पसंद नहीं कि ताइवान की मदद किसी भी तरह से कोई और देश करे ताकि ताइवान को अपनी एक अलग पहचान मिल सके। जी बिल्कुल, जो बौखलाहट है वो आपको न केवल स्टेटमेंट्स में, मिलिट्री ड्रिल्स यानी कि एक्शन में भी नजर आएगा, लेकिन दो तरीके के एक्शन आपको नजर आएंगे चीन की तरफ से। एक है जो मिलिट्री एक्शन आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है, चाहे वो चीन के वॉर प्लेन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो जो, या आर्मर्ड व्हीकल्स हो जो शियामन में नजर आ रहे हैं, या फिर जो मिलिट्री ड्रिल्स से बिल्कुल घेरने वाला है चीन ताइवान को। लेकिन इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्शन चीन ले सकता है ताइवान के खिलाफ, उससे ताइवान को खासा नुकसान हो सकता है। और ना केवल ताइवान को, अगर सप्लाई चेन की बात करें तो ताइवान में अगर काम रुकेगा तो फिर काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे माइक्रोचिप्स की जरूरत होती है जो ताइवान से आते हैं, वो उन सारे प्रोडक्शन चेन में रुकावट आ सकती है। तो देखना ये होगा कि आगे के दिनों में जो चीन कह रहा है कि इस पूरे विजिट के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, और उससे न केवल ताइवान को, रीजन को और ग्लोबल इकोनॉमी को कितना धक्का लग सकता है। चीन देखिए कई मामलों में कहते हैं कि धमकी देता है लेकिन करता कुछ नहीं है, लेकिन ताइवान एक रेड लाइन है जो चीन अगर कोई भी क्रॉस करता है उसके लिए माफी नहीं है चीन में। क्यों? क्योंकि चीन के लिए ये न केवल एक ईगो वाली का मामला है, लेकिन जब वो जमीन की बात करते हैं और कोई ऐसा इलाका जिसको वो कहते हैं कि उनका अपना हिस्सा है, उस पर अगर कोई ऐसा डिसीजन कोई तीसरा देश लेता है उसको वो अनएक्सेप्टेबल होता है चीन के लिए। तो ये एक रेड लाइन है जो अकॉर्डिंग टू चीन अमेरिका ने पार कर लिया है, और इसीलिए अब जिम्मेदारी अमेरिका को उठानी होगी। और चीन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाती हैं। इस दौरे के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने का अंदेशा पूरी दुनिया जता रही है, और इस दौरे के बाद चीन ने इससे उकसाने वाली कार्रवाई भी बताया, साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है, इसके पीछे आपको अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी लगती है? गीता, देखिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी कि यूएस सरकार की, तो उनके स्ट्रैटेजी में ये पेलोसी विजिट नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई हाई लेवल विजिट करता सरकार, तो वहां पे जाके वो लोग पॉलिसी डिसीशंस और अनाउंसमेंट्स और डिलीवरेबल्स भी करते, उसकी बात भी करते। कहीं ना कहीं जो यूएस की सरकार है वो काफी केयरफुल रही है ताइवान को लेकर, क्योंकि चीन को वो वैसे डायरेक्टली टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताइवान के मामले में काफी सेंसिटिव है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक रेड लाइन है जिसे पार अगर करें तो चीन काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है। अब हमें ये देखना होगा कि चीन लेगा या नहीं लेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस विजिट की बात करें, तो जैसे अभी जॉन कर्बी जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये विजिट जो है इसको राष्ट्रपति बाइडेन भी वेलकम करते हैं। स्पीकर पेलोसी का हक है कि वो किसके जिस देश में जाना चाहे, विजिट करना चाहे, करे, उसके लिए उनको राष्ट्रपति बाइडेन की के परमिशन की या यूएस सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूएस अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे विजिट से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंडोर्स भी कर रहा है, कहते हैं कि वो इस विजिट को वेलकम करते हैं और पेलोसी के साथ खड़े हैं, लेकिन वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन नहीं मानते हैं इसको, क्योंकि इसको यूएस
एडमिनिस्ट्रेशन अनऑफिशियल विजिट मानता है, ये यूएस सरकार की विजिट नहीं है, यूएस हाउस स्पीकर का अपना विजिट है। उन्होंने खुद डिसाइड किया वो कौन से कंट्री में जाएंगी और कहाँ कहाँ विजिट करने वाली हैं, तो इसको उल्लंघन की तरह ना माने और इससे एस्केलेट ना करे टेंशन को यूएस और चीन के बीच और फिर ताइवान और चीन के बीच, जिस वजह से इस पूरे रीजन में अस्थिरता आ सकती है। तो यूएस काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेज रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है चीन को कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, इसको आप प्रोवोकेशन के तौर पे ना देखें। जी गीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। चीन और अमेरिका के बीच टकरार लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद बढ़ सकती है, और अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के 50 मिनट के भीतर चीन ने बड़ी धमकी भी दी है।